हेलो फ्रेंड्स, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हरितालिका तीज। हरितालिका तीज के मौके पर पूजे जाने वाले शिव पार्वती एक ही विग्रह में होते हैं। साथ ही देवी पार्वती की गोद में भगवान गणेश भी विराजमान रहते हैं। गंगा मिट्टी से बने शिव पार्वती के विग्रह को प्रतिष्ठित करने के लिए केले के खम्भों से मंडप बनाया जाता है। तरह तरह के सुगंधित पुष्पों से साज सजा की जाती है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही जागकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद पूरी आस्था के साथ इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा की तैयारी करें और माँ पार्वती का ध्यान करें। आइए देखते हैं हरितालिका तीज की कथा। हरितालिका तीज के दिन कुंवारी कन्याओं को शीघ्र विवाह एवं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए सौंदर्य लहरी या पार्वती मंगल स्त्रोत्र का पाठ करना लाभदायक माना जाता है। पार्वती मंगल स्त्रोत्र का पाठ करने से पहले सुहागिन महिला कुंवारी कन्या को अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कर जल से संकल्प लेकर ही पाठ करना चाहिए। इस व्रत का विधान आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति की प्राप्ति, चित्त और अंतरात्मा की शुद्धि, संकल्प शक्ति की दृढ़ता, वातावरण की पवित्रता के लिए लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के द्वारा व्रती अपने भौतिक एवं पारलौकिक संसार की व्यवस्था करता है। आइए देखते हैं हरितालिका तीज का नियम। इसके पूर्व या उत्तर मुख होकर हाथ में जल, चावल, सुपारी, पैसे और पुष्प लेकर इस मांगलिक व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथा संभव मौन रहने का प्रयास करें, इससे आंतरिक शक्ति में वृद्धि होगी। व्रत करते हुए दिन में सोने से परहेज करें। भगवान शिव की आराधना में धूप, दीप, गंध, चंदन, चावल, बिल्व पत्र, पुष्प, शहद, यज्ञोपवीत, धतूरा, कमलगट्टा, आंख का फल या फूल का प्रयोग करें। पूजन के दौरान अगर सुहागिन स्त्रियां श्रृंगार की वस्तुएं और पीताम्बर रंग की चूड़ियां, चुनरी चढ़ाएं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। पुराणों के अनुसार इस दिन घर या मंदिर को मंडप आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। तो ये थे हमारी हरितालिका तीज। आज के लिए बस इतना ही।